नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। केंद्र व राज्य सरकारों की गलत श्रम नीतियों के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा आज गांधी पार्क के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा वेतन समेत श्रमिकों के विरोध में बदले गए कानूनों को लेकर जोरदार नारेबाजी के साथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि सरकार द्वारा उनकी तमाम मांगों पर गंभीरता से कार्यवाही नहीं की गई तो वह एक बड़ी हड़ताल करने के लिए उग्र होंगे। तो किया अडानी अंबानी कंपनी को और कंपनियां नहीं है, क्यों देने का काम? क्यों उनके अधिकार का क्या होगा? उन कर्मचारियों की सर्विस का क्या होगा जिसकी 20 साल की 25 साल की सर्विस है? क्यों नहीं उसको किया? आपने तो छंटनी कर दिया। अभी फैक्ट्री के लोग आए थे, 48 लोग निकाल दिए। निजी कंपनियां काम है कि निकालने का है, उनको सुविधा देने का। आप कंपनी का एक्ट को पढ़े, श्रम कानून में बदलाव मत करो। आप किसी को दें जो कंपनियां काम कर रही, क्या एयरपोर्ट प्राइवेट क्यों दे रहे? क्या नुकसान में? सबसे पहला एयरपोर्ट जो चेन्नई में केरल में बना था उसमें 150 करोड़ पर ईयर की इनकम है, क्यों बेच दिया आपने? रेलवे में नुकसान हो रहा, क्यों बेच दिया आपने? 300 रेलवे लाइन है। एयरपोर्ट में नुकसान हो रहा क्या? डिफेंस कारखानों में क्या नुकसान हो रहा? ये रक्षा उत्पादन स्वाभिमान की चीज़ें, आप बैंक में क्या नुकसान हो रहा? बैंकों का आप निजीकरण कर रहे हैं, आप LIC का निजीकरण क्यों कर रहे हैं? ये बताएं ना क्या नुकसान? लेकिन इनको राष्ट्रीयकृत चीज़ें नहीं चाहिए। ये पूंजीपतियों के हितैषी हैं, अडानी अंबानी के दलालों की तरह से केंद्र सरकार काम कर रही, उसी तरह यहाँ के त्रिवेंद्र सरकार कर रही। हमारी ये लड़ाई है कि इंदिरा जी ने श्रम कानून में आए, देश को स्वयं राजा को परिवर्तित खत्म किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आप पूंजीपति को हाथ फिर देना चाह रहे, साहूकार के हाथ में देश की सत्ता देना चाह रहे, जिससे गरीब किसान मजदूर उनके चंगुल से न छूटे, वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे मकानों में गिरवी रख ले। ये काम कर रही मोदी सरकार, इसलिए आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। श्रम कानून में बदलाव मत करो, मजदूरों के हितों के खिलाफ मत करो, पूंजीपतियों के पक्ष में मत करो। यही किसानों का जो बिल लाए उस पर पुनर्विचार, उनकी उपज का मूल्य मिले। कहाँ दुगना उपज का मूल्य जो आपने कहा था? झूठा प्रधानमंत्री देश को मिला, इससे झूठा कुछ हो नहीं सकता। श्रमिक संगठनों ने, जो मान्यता प्राप्त संगठन सब ने देश में आम हड़ताल का आह्वान किया, क्योंकि इससे बार केंद्र सरकार से मांग करते रहे कि 44 संशोधनों को आप मत करिए श्रम कानून में। श्रम कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, अगर सुरक्षा कवच हमारा हटा दिया गया तो हम मैनेजमेंट के हाथ के गुलाम हो जाएंगे। तो मोदी सरकार ने फिर भी जबरदस्ती हटा दिया, 23 संशोधन खत्म कर दिए, खत्म ही कर दिए बिल्कुल। जैसे 300 कर्मचारी वालों में यूनियन नहीं बना सकेंगे आप डिमांड नहीं कर सकेंगे। जब से मैनेजमेंट निकाल देगा, जब से रख लेगा, रेगुलर करे ना करे उसकी मर्जी है। इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति और मैनेजमेंट के हाथ में पूरे अधिकार देने को श्रम कानून खतरे, जो इंदिरा जी ने श्रम कानून दिए थे मजदूरों को अपनी सुरक्षा के लिए, कि मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम, बोनस, यूनियन बनाने का अधिकार, सारी चीज़ें दी थी। टेबल पर बैठकर स्वाभिमान के साथ हम लोग बार्गेनिंग करके अपनी मांगे मनवाते थे। आज बिल्कुल गुलामों की तरह से मजदूरों को जीने के लिए मोदी सरकार ने संशोधन किए, उनका विरोध पूरे देश में हो रहा है। जहाँ सुरक्षा की बात है, मजदूर असुरक्षित है, उसी तरह से जैसे किसानों के 3 बिल लोकसभा में जबरदस्ती पास कर दिए बिना चर्चा के, बिना किसानों की राय के, आज दिल्ली में उनका भी प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। बॉर्डर पर हिमाचल के, हरियाणा के बहुत भारी भीड़ जमा है। तो मजदूर और किसान दो आधार है इस देश के, स्वावलंबी बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उनको दोनों को मारने की साजिश मोदी सरकार कर रही। आपने दिया क्या? आपने किसानों की आय दुगना करने को कहा था, 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, आज 14 करोड़ बेरोजगार हो चुके मोदी सरकार में, 14 करोड़ रिकॉर्डेड है ये। आज मोदी सरकार ने डर की वजह से वो सेंसस ऑफिस भारत सरकार का बंद कर दिया, जो बेरोजगारी का डेटा देता था, इसीलिए कि उसका अपमान हो रहा। तो कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। आपने मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उत्तराखंड में भी हमारे मजदूरों का जो पैसा था निर्माण बोर्ड का, वो 400 करोड़ का घपला सरकार के मंत्री अधिकारी खा गए। अपने लोगों को लिस्टें दे दी, उनको मशीनें दे दी, साइकिलें दे दी, मजदूर मर रहा जिसका पैसा है 400 करोड़ का। ESI का 1000 करोड़ का है। नेशनल हेल्थ मिशन की इंक्वायरी CBI कर रही थी उत्तराखंड की, 1000 करोड़ का घपला। वो CBI इंक्वायरी विड्रॉ करने का प्रस्ताव मोदी त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र को भेजा कि CBI इंक्वायरी नहीं करा रहे, हम इसकी विजिलेंस कराएंगे, जिससे अधिकारी दबाव में रहेंगे और हम लोग अपने अधिकारियों को, नेताओं को बचा देंगे जिन्होंने मजदूरों का पैसा खाया। ये शर्म आती राज्य सरकार को, इस तरह के गंदे घृणित काम कर रहे। मजदूर का हक है मिनिमम वेजेस लेने का, ओवर टाइम करने का, बोनस का, नियुक्ति का, परमानेंट होने का, वो सारे अधिकार आप छीन करके मजदूर को बिना हथियार का सिपाही की तरह से सड़कों पर खड़ा कर रहे। जो मोदी सरकार का, आपने पेंशन, दो काम बड़े ऐतिहासिक किए बीजेपी ने। वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे
तो कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी, और मोदी जी बने तो इसने केंद्रीय कर्मचारियों को रोजगारी बंद कर दी। जरूरत ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के रोजगार करने के, सरकारी काम सब प्राइवेटाइजेशन, और सब अडानी अंबानी के हाथ में देने का काम, रेलों को बेचने का काम क्यों कर रहा है। अब डिफेंस के कारखाने जो हमारे देश के स्वाभिमान है, ये डिफेंस के कारखानों में गोली बनती थी, पेटेंट अमेरिका का तोड़ा था, हिंदुस्तान की गोली ने पहली बार दुनिया में तोड़ा था, उन कारखानों का बेच रहे हैं आप, रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं।